Hello student, how are you all? Oh, good. As you know, today we celebrate the festival of Dashera. Okay student, after fasting 9 days, Dashera is coming. आप सभी को पता होगा नवरात्रि के बाद हमारा दशमी का दिन आता है जिसको हम दशहरे के रूप में मनाते हैं. आपकी मम्मा सारे बेबी इसकी व्रत होंगी, देन हमारा दशहरे का सेलिब्रेशन होता है. आप सभी को पता है कि हम लोग दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं? नहीं पता है? ओके, आज मैं सारे बेबीज को दशहरा सेलिब्रेशन का एक दशहरा सेलिब्रेशन की एक स्टोरी सुनाऊंगी कि हम लोग दशहरा मनाते क्यों हैं. सुनाओ लुक हियर. बहुत समय पहले भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण और उनकी वाइफ सीता थी, जिनको उनके पिताजी ने, उनके पापा ने, जैसे आपके पापा होते हैं, उनके पापा ने वनवास दिया था 14 ईयर का. ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ये भगवान राम है, ये उनकी पत्नी है सीता माता, और ये उनके भाई हैं लक्ष्मण. तो उनके पापा ने उनको 14 ईयर का वनवास दिया हुआ था, मीन्स उनको अपना महल छोड़कर जंगल में जाकर रहना था. और जब वे जंगल में गए तो जो रावण था, रावण बहुत ही बुरा था. रावण ने क्या किया, माता उनका अपहरण कर लिया था. जब सीता माता अपने घर पे अकेली थी तो जो रावण था उसने साधु का वेश बना करके सीता माता को अपहरण किया, मीन्स उनके घर गए, उनसे भिक्षा मांगने के बहाने उनको बाहर बुलाया घर के और उनका अपहरण कर लिया. ओके, देन भगवान राम ने अपनी माँ, अपनी बीवी को, मीन्स अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए रावण का वध किया. वे रावण के महल में गए, वहाँ पे भगवान राम रावण के महल में गए, वहाँ पर उन्होंने रावण से युद्ध किया. और उस युद्ध में भगवान राम ने रावण के सारे भाइयों को मार डाला, क्योंकि वे सभी बहुत ही इविल थे, बहुत ही बुरे थे. इसलिए राम ने सभी को मार दिया. और जब रावण का वध हुआ उस दिन को हम दशहरे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. आप सभी मम्मा पापा के साथ जाते हैं ना, जहाँ पे रावण का स्टैचू बनाया जाता है और उसको जलाया जाता है. तो मीन्स आज के ही दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था. मीन्स आज के ही दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था. हम सभी जाते हैं उसी उपलक्ष में, जब हम जाते हैं देखते हैं कि जो रावण है उसका स्टैचू बनाया जाता है और उसको आज के ही दिन जलाया जाता है. देखिए, ये रावण का स्टैचू है जिसको जलाया गया है, और ये उनके ब्रदर हैं, मीन्स भाई हैं, ठीक है, जिनका वध हुआ था. सो स्टूडेंट, रावण को मारने के बाद भगवान राम सीता माता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए थे. तब तक उनका 14 वर्ष का वनवास, जो कि उनके पापा ने दिया हुआ था, वो फिनिश हो गया था. और उस दिन, जिस दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, सारे अयोध्या वासियों ने दिए से उनका स्वागत किया था. भगवान राम जब वापस आए थे तो सभी नगर वासियों ने दियों से पूरे नगर को सजाया हुआ था, जिसको आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं. आज भी जिस दिन हम दीपावली मनाते हैं, भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो इसी उपलक्ष्य में करते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे. इस तरह से पूरी अयोध्या नगरी दियों से सजाई गई थी, जिसको हम दिवाली के रूप में मनाते हैं. तो आज सारे बेबीज को पता हो गया होगा कि हम विजयदशमी और दीपावली क्यों मनाते हैं. ओके, एंड देन सारे बेबीज स्टोरी देखेंगे भगवान राम की, और दीपावली और दशहरे के बारे में जानकारी लेंगे. ओके, एंड अपने मम्मा पापा से भी बताएंगे कि मम्मा हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं दशहरे को और दिवाली को. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.